जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। समर प्लीज मेक श्योर कि अंकल मासी पे चिल्लाए नहीं। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अपनी मासी को रोक लो। कैसे रोको समर, मासी गलत नहीं कह रही है। हाँ तो फिर कहने दो। लेकिन जिस तरीके से वो कह रही है वो तरीका गलत है समर। गॉड, इस घर में छपते खुद अब ड्रामा ड्रामा ड्रामा। लेकिन एक बात तुम याद रखना भी, जैसे आज मैंने तुम्हारी पतंग काटी है ना, वैसे ही मैं हर बार काटूंगी। क्योंकि अगर मैं दुखी रही ना तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं भी। लोग परिवार की खुशियों के लिए क्या क्या नहीं सहते, और एक ये दोनों है जिनके लिए परिवार की खुशियों का कोई मतलब ही नहीं है। वी, वी रुको, वी ऐसे स्टॉप, वी, ठीक है जाओ, जहां जाना है जाओ। तुम कितना भागोगे भी, लौट के तो घर ही आओगे ना। याद रखना, घर पे मैं तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलूंगी, देख लूंगी घर पे तुम्हें। कहां फंस गया मैं? आपको यहां बुलाया था ताकि आपके साथ खुशियां बांट सके। मैं भूल गया था कि जिसका बेटा बहू ऐसे हो उनके पास बांटने के लिए खुशियां होती ही नहीं होती है, तो सिर्फ सिर्फ तमाशा होता है। तो हो गया, हो सके तो मैं माफ कर दीजिए। हम एक परिवार है आयना, तो माफी मांग के पराया मत कर मान। पराया तो हमें हमारे बहू बेटे ने कर दिया। अरे कोई दुश्मन भी घर की खुशियों को ऐसे नजर नहीं लगाता जैसे इन दोनों ने लगा दी। प्रिय भूल जाते हैं गुस्से में कि उनकी लड़ाई वो चक्की है जिसमें हमारे घर की खुशियां पीस जाती है। सॉरी अनुपमा, हर बार हमारे घर के लड़ाई झगड़े में हम तुम्हें खींच लेते और हर बार यही कहते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, पर हो जाता है। हमें माफ कर देना अनुपमा, माफ कर देना। अरे पा, क्या कर रही है? आप कैसी बातें कर रही हैं पा? जिंदगी अगर आपको दर्द और परेशानी देती है तो वो दर्द और परेशानी सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, आपके अपनों की है, और हम आपके अपने हैं। आपके हर काम हर परेशानी में हमारा भी बराबर का हक है। अगर आप हमसे ये हक छीनेंगी तो हम भी आपसे नाराज हो जाएंगे। आइए बैठिए बापूजी, बैठिए।
तेरी कहानी में साथी मेरे शामिल मेरा भी तो किस्सा है। जो दर्द तुझे मिले हैं किस्मत से उनमें मेरा भी तो हिस्सा है। जिससे दर्द छुपाते हैं उसे पराया कहा जाता है। अपनों को बुरा लग जाता है जब उनसे दर्द छुपाया जाता है। रोइए मत बा केशव जी। दोस्तों सबको घर ले जाओ। जैसी है वो अनुपमा का अगर नाखून भी टूट जाता है तो सबके दिल टूट जाते हैं। और मैं अगर किसी ट्रक के नीचे आ जाऊंगी ना तो भी इनसे 5 मिनट से ज्यादा आंसू नहीं बहाए जाएंगे। सबके सब पतंग उड़ा रहे थे, नाच गा रहे थे। अरे मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गई, पर राज ने नंदिनी की इतनी इंसल्ट कर दी। अरे इस घर में किसी को मेरी वैल्यू ही नहीं है। No. मगर अब करनी पड़ेगी, अब सबको मेरी वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब काव्या लौट आई है। काव्या इज बैक। नंदिनी मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमने देखा ना काव्या ने क्या किया। उसे गुस्सा करना था, शिकायत करनी थी, जो भी करना था वो घर पर आकर कर सकती थी, लेकिन उसने सारा तमाशा सबके सामने करना जरूरी समझा। वो इन्हीं हरकतों की वजह से खुद को सबसे दूर कर रही है, और यही वजह है अगर वो सही होती भी है तो सही लगती नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार कितने प्यार से पतंग उड़ा रहा था। ए जी जी रे पता है अनु, पतंग का तो सिर्फ नाम होता है, असल में आसमान में उम्मीद उड़ती है, उम्मीद। और हमारी अनुपमा कभी भी उम्मीद नहीं हारती, है ना? इसलिए कान्हा जी का नाम लो और ये पतंग उड़ाओ। अगर उन्होंने चाहा तो इस परिवार की खुशियों की पतंग भले ही मुश्किलों में फंस जाए कटेगी कभी नहीं। क्या किया? परिवार को पूरा किया। ये आप, ये मुक्कू और ये जी के काका। मेरा परिवार ही मेरा मन है, और मैं आधे मन से कोई काम नहीं करती। खुशियां सच्ची तभी होती है जब उसमें पूरा का पूरा परिवार शामिल हो, सब शामिल हो। गुस्से का मांझा बहुत तेज होता है, लोग उससे दूसरों की पतंग काटना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे पहले कटेगा तो खुद का हाथ ही। इसलिए मैं इस पतंग में गुस्से का मांझा नहीं लगाऊंगी। ये पतंग उड़ेगी
बिना किसी आंसू, बिना किसी गुस्से, बिना किसी नफरत के बहुत 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 ऊंचा उड़ेगी। आज से मैं हूं नवेली, अपनी भी हूं अब सहेली, अब भी बेटी अब भी माँ। ये हुई ना बात अनु, आज कागज की पतंग उड़ी है। अगर कान्हा जी ने चाहा तो बहुत जल्द खुशियों की पतंग भी उड़ेगी और इससे भी ज्यादा ऊंची। इस पतंग की तो एक ही डोर है इसलिए संभाल लिया, पर जिंदगी की पतंग की तीन डोर है, मुक्कू, काव्या और मिस्टर शाह। मैं तीनों को एक साथ में कैसे संभालूंगी? ये आदमी एक सोशियोपैथ है। इस 6 फुट के फ्रेम के अंदर ना फीलिंग्स है, ना एम्पैथी है, ना अपनी गलती का एहसास है, सिर्फ और सिर्फ अकड़ है, दैट्स इट। एक बात तुम याद रखना भी, जैसे आज मैंने तुम्हारी पतंग काटी है ना, वैसे ही मैं हर बार काटूंगी, क्योंकि अगर मैं दुखी रही ना तो मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं भी। मैंने बापूजी से कहा है कि काव्या कुछ जरा संभाले। एक बात कहूं, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये लग सकती है। अनु, तुम मिस्टर एंड मिसेस शाह के बीच की प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश जरूर कर सकती हो, लेकिन सिर्फ कोशिश, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। इसके लिए उन दोनों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा होता है ना कि अंत में इंसान को अपने पांव के कांटे खुद ही निकालने पड़ते हैं। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, एक औरत होने के नाते तुम काव्या का दर्द जरूर समझ सकती हो, उन दोनों को सही रास्ता दिखा सकती हो, लेकिन उस रास्ते पे चलना उन दोनों को खुद ही पड़ेगा। जानती हूं, पता नहीं मिस्टर शाह भी कोई भी चीज शांति से क्यों नहीं सोचते। काव्या की वजह से ना वो शांत रहती है, ना शांत रहने देती है। I'm really sorry, मैं आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, पर क्या बच्ची? पर बात मेरे दोस्त की है, इसलिए मैं बोलूंगी। राज और काव्या का रिश्ता पहले रिश्ता हुआ करता था, पर आई गेस अब नहीं, क्योंकि काव्या के लिए ये रिश्ता जिद है और राज के लिए बंधन। एंड फ्रेंकली बंधन तोड़ने के लिए होता है और जिद छोड़ने के लिए। और वैसे भी ये रिश्ता जो है वो अब टॉक्सिक हुआ जा रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो जहर भी बन सकता है, जैसे मेरा रिश्ता बन गया था। मुको, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उससे अगर मैं चाहती तो हर एक रिलेशनशिप में सिर्फ मर्द को ही जिम्मेदार समझती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आप दोनों ने मुझे समझाया, मुझे संभाला, मुझे बिखरने से बचाया, इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों साइड्स की स्टोरी सुनूं, समझूं और फिर कुछ बोलूं। तो काव्या और वनराज के रिश्ते में मुझे यही लगता है कि गलती काव्या की है। चलो बताओ, जब बॉडी का पार्ट खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसे काट के निकाल देता है ना। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आपको उसे निकाल देना चाहिए। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी। डॉक्टर शरीर का अंग काट के फेंक जरूर देते हैं, लेकिन वो तब जब उसे बचाने की हर कोशिश नाकाम हो गई हो। तो काव्या भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। गलत यह है अनु कि वो हमेशा वनराज को गलत ठहराती है, उसे विलन बनाना गलत है। काव्या का तरीका गलत हो सकता है, पर काव्या का गुस्सा गलत नहीं है।
ठीक है, माना कि उसने गलती की, पर उसने अपनी गलती मानी भी और सुधारी भी। पर मिस्टर शाह उसे दूसरा मौका देना तो दूर, उससे बात तक नहीं कर रहे हैं। अरे रिश्ता रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, लेकिन कम से कम पहले एक साथ बैठकर शांति से बात तो करो। पर काव्या बात करती का है, वो बस चिल्लाती है। मिस्टर शाह उसकी बात सुनते ही नहीं है, इसलिए उसे चिल्लाना पड़ता है। अनु बिल्कुल सही कह रही है मुको, गलती दोनों की है, दोनों को समझना चाहिए ना। अब जब दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन आके निकलेगा कैसे? काव्या बात कर सकती थी ना, पर नहीं, उसने तमाशा किया है। अब राज क्या, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा ना। जी, लेकिन गुस्सा हर प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं हो सकता ना। हाँ, गुस्सा मसले का हल नहीं है, गुस्सा अपने आप में एक मसला है। ओके, मे बी आई एग्री, पर इस गुस्से की वजह काव्या है। आई एम रियली सॉरी भाई, बट आई डू नॉट अग्री विथ यू। वनराज को ब्लेम करना या उसे जज करना गलत है। आई गेट योर पॉइंट मुको, बट मैं वनराज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसे जज कर रहा हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। अब देखो, जैसे किसी भी रिलेशनशिप में या मैरिज में सामने वाले के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि मिस्टर शाह जो हैं वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। ठीक है, अगर आपने अपने दिमाग में वनराज को गिल्टी फ्री करवा ही दिया है, आप समझते हो कि वो गलत है, तो फिर इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। पर आप लोग चाहे जो कुछ कहें, वनराज की कितनी भी गलतियां क्यों ना गिनाएं, आई एम ऑलवेज गोना सपोर्ट हिम, बिकॉज मेरे हिसाब से वो सही है। एनीवे, आई गॉट टू गो, मुझे बहुत सारा काम है। आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। आई नो अनु कि तुम दूसरों की परेशानियां देखती हो तो खुद भी परेशान हो जाती हो, बट नो व्हाट, जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है कि जब तुम्हें लकीरें खींचनी पड़ती हैं, बाउंड्रीज, एंड आई थिंक कि अब तुम्हें खुद और मिस्टर शाह की परेशानियों के बीच में वो लकीर खींच देनी चाहिए, वरना तुम इनके बीच में खींचती रहोगी और उनकी जिंदगी में भी। वैसे ही तुम पे कम जिम्मेदारियां नहीं है, समर की है, नंदिनी की है, बाकी की है। आप इतना अकेली फील करती हो तो कम से कम उसे साथ रख लिया करो। किसे? सेल्फ रिस्पेक्ट को। सेल्फ रिस्पेक्ट? एक चीज होती है मासी जो शायद आपकी एक्सपायर हो चुकी है, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे आपको देख के बहुत बुरा लगता है। आप क्यों इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रही हैं? एक रिलेशनशिप में प्यार जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आपके और वनराज अंकल के रिलेशनशिप के बीच दोनों ही नहीं बचे। नंदिनी प्लीज, बाप बापूजी आए थे मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने ही उनसे बात नहीं की। मैं तो यहाँ तुम्हारे पास आ गई बात करने के लिए और तुम मुझे डिस्करेज कर रही हो। आई अंडरस्टैंड मासी, लेकिन वनराज अंकल ने क्लियरली बोल दिया है कि ना वो आपके साथ रहना चाहते हैं और ना वो आपके लिए कुछ फील करते हैं। अरे तो उसके कह देने से क्या होता है? किसी के कह देने से प्यार खत्म हो जाता है क्या? अरे भले ही हमारी शादी को सिर्फ एक साल हुआ है, लेकिन हमारा प्यार 10 साल पुराना है। वो प्यार जिसके लिए वी ने अपने 25 साल की शादी तोड़ दी। शादी अंकल ने नहीं तोड़ी थी मासी, अनु आंटी ने शादी तोड़ी। हाँ, थी। तो क्या हुआ? उसके बाद वी ने मुझसे शादी भी तो की ना। तुम एक बात बताओ मुझे नंदिनी, तुम्हारे और समर के रिश्ते को कितना टाइम हो गया है? 1 साल ना? फिर भी समर ने जब रिश्ता तोड़ने की बात की थी तुमसे, तब तुम्हें बुरा लगा था ना? ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसकी शादी टूट रही हो, जिसका पति उसे छोड़ के जा रहा हो ना, सिर्फ उसे ही पता है कि उस पर क्या बीत रही होती है। अरे जब साथ आना हम दोनों का डिसीशन था, तो फिर अलग होने का डिसीशन वो अकेले कैसे ले सकता है? मैं दूसरी अनुपमा नहीं बनूंगी, और अगर वी को लगता है ना कि वो उस मालविका के चक्कर में मुझे छोड़ देगा मासी, तो वनराज अंकल ये सब मालविका की वजह से नहीं कर रहे, वो जेन्युइनली आपसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि मालविका के आने से पहले ये डिवोर्स की बात तो हो चुकी थी ना। मासी, मैं आपसे एक बात कहूं, आप और मैं वापस यूएस चले जाते हैं, हम दोनों को ब्रेक की बहुत जरूरत है मासी, और इधर उधर भटकने से अच्छा है हम कुछ दिन अम्मा के पास जाके रुके, वहां जाके एटलीस्ट हम क्लियरली सोच पाएंगे कि हमें आगे जाके क्या करना है। बहुत हो गए झगड़े मासी, बहुत कर ली कोशिश, बहुत सहली इंसल्ट, लेट्स गो बैक ना।
Let's leave. लेकिन मैं वी के बिना कैसे रहूंगी? और तुम समर के बिना रह पाओगी? सीख लूंगी, लाइफ सब सिखा देती है मासी। पापा के बिना रहना सीख लिया, रोहन के बिना जीना सीख लिया, तो समर के बिना भी जीना सीख लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।